अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, PSL 2020 के बकिया मैचेस के लिए लाहौर कलंदर टीम की स्क्वाड का दोबारा ऐलान कर दिया गया। आइए देख लेते हैं कौन से नए खिलाड़ी शामिल हैं टीम में। तो दोस्तों देखकर आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि स्क्वाड PSL 2020 के लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नंबर वन पे हैं तमीम इकबाल जो कि न्यू इंटरव्यू हैं लाहौर कलंदर में, और नंबर टू पे फ़खर समान, और नंबर तीन पे लाहौर कलंदर की स्क्वाड में PSL के लिए मोहम्मद हफीज़, और नंबर चार पे PSL 2020 के बकिया मैचेस के लिए डेविड विजे, और नंबर पाँच पे हैं लाहौर कलंदर टीम में शाहीन शाह आफरीदी, और नंबर छः पे लाहौर कलंदर टीम में PSL 5 के लिए उस्मान खान शिनवारी, नंबर सात पे स्मिथ पटेल, और नंबर आठ पे कलंदर टीम में एंटर हुए हैं हारिस राउफ, और नंबर नौ पे PSL 2020 के लिए लाहौर कलंदर में सुहेल अख्तर को चेंज कर दिया गया, तमीम इकबाल इसकी जगह कप्तानी करेंगे, और नंबर दस पे आगा सलमान, और नंबर 11 पे PSL 2020 के लिए बेन डंक, और नंबर 12 पे PSL 2020 के बकिया मैच इसके लिए होंगे फरजन राजा स्क्वाड में शामिल हैं, और नंबर 13 पे जाहद अली, और नंबर 13 पे आबिद अली को न्यू इंटर किया गया लाहौर कलंदर की स्क्वाड में, और नंबर 14 पे हैं लाहौर कलंदर में मोहम्मद फैजान, और नंबर 15 पे कलंदर टीम में PSL 2020 के लिए हैं नए माज खान, और नंबर 16 पे PSL 2020 के लिए न्यू इंटर हैं डैनी विलास जो कि गैर मुल्की, और नंबर 17 पे है लाहौर कलंदर में दिलबर हुसैन। तो दोस्तों ये थी स्क्वाड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक।